नूतन कहानियाँ चैनल में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत। जिस प्रकार हम जीवन में एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ करते हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उपनिषद में एक कथा है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मानव शरीर के अंदर प्राण और इंद्रियों में एक बार सर्वश्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हुआ। आइए मित्रों उपनिषद की इसी कथा के बारे में हम चर्चा करते हैं जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ कौन। एक बार प्राण और इंद्रियों में झगड़ा हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसलिए सारे इंद्रियां और प्राण प्रजापति के पास गए और इंद्रियों में वाणी नेत्र श्रवण आदि ने ये दावा किया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। प्राण ने भी ऐसा ही कहा तो झगड़े का निपटारा करने के लिए प्रजापति ने उत्तर दिया कि तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर बहुत बुरा सा दिखे वो सबसे श्रेष्ठ है। यानी इंद्रियों में से या प्राण में से जो भी निकल जाए तो शरीर बहुत बुरा दिखे वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इस फैसले को सुनते ही शरीर से वाणी निकल गई, शरीर गूंगे की तरह जीवित रहा। नेत्र चले गए, शरीर अंधे की तरह जीवित रहा। श्रवण चले गए, शरीर बहरे की तरह स्थिर रहा। मन चला गया, शरीर मूढ़ शिशुवत स्थिर रहा। परंतु जब प्राण जाने लगा तो सारा शरीर मृतवत होने लगा। तब सारे इंद्रियों ने एक स्वर में प्राण से कहा, भगवान तुम ही हमारे स्वामी, तुम ही हमसे श्रेष्ठ हो, बाहर मत निकलना। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि प्राण के ही आश्रय पर सारी इंद्रियां और मन टिके हुए थे, उसी के अधीन थे। यदि हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना है तो प्राण का रहना आवश्यक है, इसलिए प्राण का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।